दोस्तों, अभी आपने देखा जो मैंने डांस की एक फॉर्म दिखाई थी आपको, जो स्टेप दिखाया था डांस का, तो ये स्टेप ऐसा है, इसको आप डांस के किसी भी पार्ट में टैग कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी मैं जो आपको डांस के जो स्टेप्स बता रहा हूँ, ये सिर्फ बेसिक स्टेप्स हैं डांस को सीखने के लिए, बढ़िया तरीके से करने के लिए। क्योंकि बेसिकली क्या है, आपने देखा होगा डांस है और एक्टिंग बोले तो थिएटर रंगमंच वाले थे, ये जो है इस फर्स्ट टेक में आपको ओके करना होता है। अगर आप मंच के ऊपर चढ़ गए तो उसके बाद आपको कोई रीटेक का मौका नहीं मिलता है। अगर आप फिल्म में है तो कोई बात नहीं, आपका 1 या 50 रीटेक कर सकते हैं, लेकिन नाटक और डांस ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको रीटेक का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि इसमें होता क्या है कि आपके सामने से जो आपको आपकी परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं तो वो अपना कीमती समय आपको देते हैं, अपना कीमती समय खर्च करके आपको देखने के लिए आए होते हैं, तो वहाँ पर कोई एक्सक्यूज आपको नहीं मिलेगा कि भाई मेरी रिहर्सल थोड़ी कम थी या मैं कल को कर लेता हूँ या रिटेक कर लेता हूँ। क्योंकि अगर आप डांस कंपटीशन में जा रहे हैं, कहीं भी, नेशनल हो इंटरनेशनल, तो बहुत हाई लेवल, नेशनल हो इंटरनेशनल हो, किसी भी लेवल के डांस में आए, या तो वहाँ पर जो जज सामने बैठा होगा तो वो इस तरीके से हजारों डांसर्स को देख चुका होता है या अपनी परफॉर्म हजारों बार कर चुके होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि आपके चीज़ को एक चीज़ जज करते हैं, आप किस स्टेप को आपने कितने स्मूथली किया, कितना बढ़िया तरीके से किया उसको, तो वो तक आपको बताते हैं। तो इसलिए आपको कुछ स्टेप आपको डांस के अलावा आपने सीखा, आपको पता है इस गाने में आपने ऐसे करना है, लेकिन कुछ स्टेप ऐसे होते हैं जो जहाँ पर आप अचानक भूल जाते हैं, तो वहाँ पर आप इतनी स्मूथली और इतने बढ़िया तरीके से उसे जोड़िए कि सामने वाले को पता नहीं लग पाए कि आपने स्टेप आप ये कर रहे थे, आप सीधे अचानक आप ये कर रहे थे। ये आपका ये होना चाहिए कि आप करना तो ये चाह रहे थे, आप ये ला रहे थे, यहाँ से आपने ये करना थे। ये आप अगर मान लिया उस करंट वे में आप ला रहे हैं, ब्रेक में ला रहे हैं, तो अचानक आप भूल गए, आपने कहा ये कर रहा था, इसको मैं निकालूं, बाहर निकालना, आप भूल गए, आपने यहीं का रुपया ये कर दिया, फिर चाहे आपको याद आएगा कि ये निकाल लिया, तो ये क्या रहेगा, आपका जुड़ेगी चीज बहुत अच्छी भी लगेगी और सामने वाले कहेंगे हाँ ये कुछ नया हुआ है। तो ये आपका स्टेप, इसको करने का तरीका, ये जो अभी मैंने ये किया था इजी करना क्या है, पहले सीखने के लिए आपने क्या करना है, देखिए वन में इसके पंजे में आए, ठीक है, इसको मोड़ के रखिए, फिर सेकंड में इसकी हील में आए, इसको रखा इस एंगल में, थर्ड में इसको उठाया ये, और फोर्थ में फिर ये आ गया, यानी कि इस एंगल में, फिर वन यानी कि ये, टू में ये, थ्री में इसको उठाया यानी कि ये, ठीक है, पंजे उठाया ये, फोर फर्स्ट में, फिर पंजे में जाते हुए हील रखी, फिर इसकी हील में से पंजे में आ गए, फिर इसकी हील में आए, फिर इसके पंजे से आ गए। अब इसको क्या करना पड़ता है, अब आप जोड़ेंगे तो एक साथ करेंगे, मैं उधर से ही बताता हूँ क्योंकि यहाँ से उसका आपकी, फिर इधर से आप आएंगे, मान लीजिए आपने क्या करना है, अब दो एक साथ करने, पहले आप 1, 2, 3 and 4 कर रहे थे, अब आप एक साथ करेंगे, कैसे करेंगे, यानी कि 1, 2 एक साथ, 1 ये हल्की है और इसकी हील, 1, 2, 3, 4 यानी 1 में हल्के से इसको उठाइए, तो इसको पंजे में जाएंगे, इसकी ये देखिए 1, अब 2 में ये और ये 2, 1, 2 दोनों साइड 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1 ये हो गया फर्स्ट।
उसकी आप धीरे धीरे रिहर्सल कीजिए कि आपका टूल्स हैं जो आप कर सकते हैं जी। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और उन दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं डांस के फील्ड में, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट ट्यूटोरियल आपको सबसे पहले मिलते रहें। थैंक यू, दैट्स ऑल, आई लव यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में आपसे, धन्यवाद।